रविवार को शहर के धोबी घाट रोड पर अचानक ही डंगा गिर गया। डंगा गिरने से उसके मलबे के नीचे दो पहिया वाहनों सहित गाड़ियां दब गई और बिजली की तारों को भी नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि जिस समय ये डंगा गिरा उस समय वहां पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। शाम करीब 4 बजे इस क्षेत्र के लोग आराम से घरों में सोए हुए थे कि अचानक ही उन्हें जोर से आवाज सुनाई दी। जैसे ही लोग घरों से बाहर निकले तो देखा कि करीब 15 फीट लंबा डंगा ढह गया है और उसके नीचे कई गाड़ियां भी दब गई हैं। इससे इस मार्ग पर आवाजाही भी बिल्कुल बंद हो गई है। घटना की सूचना प्रशासन को दी। मैं बोलता था जब एक ठेकेदार स्कूल वाले लगाते थे, मैं इनसे लड़ता था, या कोई नहीं लड़ता था मोहल्ले में, ये लड़ते थे और इनको हम बोलते थे डंगा कभी ना कभी गिर जाएगा और मैं इस पर मटेरियल बिल्कुल नहीं लग रहा, और ये मानते थे स्कूल के प्रिंसिपल भी और प्रोफेसर ठेकेदार कि तुझे क्या पता तू इंजीनियर है। मैं हाँ जी, आज वो हल्का हो गया, पता नहीं कितने लोग मरे हैं, अभी तक इनका कोई इंतजाम नहीं है, ना जेसीबी आई ना पुलिस आई, अभी ना जेसीबी आई ना गाड़ी आई है रास्ता साफ करने के लिए। जी जी सर, इसमें कोई किसी तरह का अभी कुछ पता नहीं, कहा नहीं जा सकता कि अभी कोई पता नहीं कौन दबा कौन नहीं पता, हमने अपने परिवार का सारा पता कर लिया, हमारे परिवार का भी कोई भी नहीं है। जी सर, थैंक यू सो मच। जी मैम, आप क्या कहेंगे? हमने पहले से अलर्ट करा था इनको कि यहाँ पर ये डंगा मत लगाइए और यहाँ पर मिट्टी का प्रेशर है, ये डंगा जा सकता है, लेकिन इन लोगों ने हमारी एक बात भी नहीं सुनी। हमने बोलना, हमने कई बार इनको एप्लीकेशन दी है कि भाई आप ये कच्चा काम कर रहे हो हमेशा, कभी इन्होंने गौर ही नहीं किया, हमेशा डंगे भी बढ़ाते रहे। आप ये देखो कच्ची जमीन है सारी, ये देखो आपके सामने कोई गौर नहीं करता था। जब हमारे कैसा गोयल साहब थे इसके चेयरमैन, तब भी हमने वो हो जाता है भगवान ने अच्छा रोड खुलेगा, आरसीसी मोटा बीम आएगा भाई साहब, इतनी बिल्डिंग का लोन नहीं ले सकता, ये तो सारा आरसीसी का 20-25 का सरिया पड़े और उसका ग्लास बने और इसका फिर इतना इतना ना ये पता किसका बनेगा, फिर स्टप दे 3-3 मीटर के बाद भरते जाए मालिक। हेलो, और नीचे मारो गोली, आप ये भी नीचे जाना, ये भी जाना नीचे गिरने वाला है पंख, और ये मुड़ गया आज साइड में, खिंचाव पड़ गया इसमें, खिंचाव पड़ गया इसमें ऊपर, कोई इसको खतरा ही है घर को, ये सारा हो रहा है, ये तो शुक्र बात है आईफोन पकड़ा बना नहीं बरसात होती तो एक दिन तो मोहनलाल का लड़का है। अरे मोहनलाल जी का मास्टर ने कोई सारा काम और क्या मोहनलाल का, और क्या अब मालिक तू है तो तू ही काम अपने हिसाब से, अब पीडब्ल्यू ने कराया उस टाइम इंच टेप लेके आज आज तक फक फोटो खींचता, अब खींच फोटो, हां वो आर्किटेक्ट उसका ट्रैक बन गया, हां शास्त्री और पीछे दोनों बुला, अब लावना अब आला और स्कूटर बाइक हो गए हैं और कुछ बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी वायर भी चपेट में आ गई है। मेहरबानी तुम्हारी है, इतना डंगा लगा था तू क्या? ऐसे भी होगा डंगा टिकट चलता, मैंने बोला यहाँ तो पता पता क्या है, मैं एक 4-6 फुट की चुड़ाई 4-5 फुट का बीम फिर आज फिर उसको बीच में रोक देते, फिर आज कितना नहीं डंगा मैं बच्चा गाड़ी में गाड़ी तो मैं वो वहाँ पहुँच गया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट।